गुड मॉर्निंग नाउ स्टार्ट अवर न्यू लेसन चैप्टर नंबर ट्वेल्व स्प्रेडिंग नॉलेज अपनी जो नॉलेज को अपने ज्ञान को और अधिक बढ़ाना यू हैव ऑलरेडी स्टडीज डेट द अर्ली हुस डिड नॉट स्पेंड देअर लाइफ मच बेटर देन एनिमल्स आप सब जानते हो कि अर्ली मैंस की लाइफ कैसी थी एनिमल्स जैसी थी उनसे भी बेटर नहीं थी इट वॉज नॉलेज दैट ह्यूमन बींग्स गैदर्ड बाई ऑब्जर्विंग द ऑन गोइंग द एक्टिविटीज द नेचर एंड मेड देयर लाइफ डिफरेंट फ्रॉम द एनीमल्स फिर क्या हुआ उनको नॉलेज की जा ह्यूमन बींग्स ने एक साथ रहना सीखा ऑब्जर्व किया और उन्होंने अपना जीवन नेचर से सीखा और अपना लाइफ एनिमल से अलग कर ली विद द पैसेज ऑफ टाइम समय बीतने के बाद मोर एंड मोर नॉलेज नॉट एडेड ऑन द ह्यूमन ब्रेन एंड द लाइफ ऑफ़ मैन बिकम मच बेटर देन दैट एनिमल्स कुछ समय बाद उनकी लाइफ क्या हो गई एनिमल्स से थोड़ी डिफर हो गए उनको नॉलेज आने लगी इन दिस चैप्टर यू विल स्टडी हाउ नॉलेज स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर और वन रीज़न टू अनदर इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि एक नॉलेज एक से दूसरे के पास कैसे गई वन रीजन से अनदर रीजन में कैसे पहुँची द अर्ली मैन बिगन्स डिड नॉट नो एनी लैंग्वेज जो अर्ली अर्लीमेंट थे हमारे उनको लैंग्वेज की कोई भी ज्ञान नहीं था भाषा का कोई भी ज्ञान नहीं था दे यूज सर्टेन साइन एक्सप्रेस देयर थाट्स क्या करते थे इशारों से एक्सप्रेशन से वो अपने था उन विचारों को प्रकट करते थे दे नेटिव द नेटिव अमेरिकन यूज स्मोक सिग्नल्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर जो नेटिव अमेरिकन्स थे वो क्या करते थे धुएं से के सिग्नल से कम्युनिकेशन करते थे सम अमेरिकन टेरिबल्स टुक द हेल्प ऑफ ड्रम बीट्स ऑफ कम्युनिकेट और जो कुछ अफ्रीकन टेरिबल्स थे वो क्या करते थे ड्रम बीट से ड्रम के बजाने से कम्युनिकेट करते थे बताते थे अपनी बात देन ह्यूमन बींग्स स्टार्टेड ड्राॅइंग पिक्चर ऑन वॉल्स फिर क्या हुआ ह्यूमन बींग्स ने पिक्चर को ड्रॉ करना सीखा वॉल्स पे दीवारों पे स्टोन्स पे क्ले टैबलेट्स पे बाद में उन्होंने पिजन वर आल्सो यूज्ड टू कैरी मैसेज टू फायर ऑफ लैंड्स प्रिजेंट का यूज़ करने लगे बहुत दूर दूर जाने के लिए उन पर मैसेज करने लगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हॉर्स मैन वर ट्रेन टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस टू प्लेस कन्वे मैसेज फिर क्यों एक ऐसा समय आया कि उन्होंने हॉर्स को भी ट्रेन कर लिया घोड़ों को भी ट्रेन कर लिया एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए क्या करने के लिए अपने मैसेज कन्वे करने के लिए अपने मैसेज अपने संदेश पहुंचाने के लिए अर्लीस्ट रिटर्न रिकॉर्ड सिंस द्यूम डि नॉट नो हाउ टू राइट पहले अलियूम को नहीं मालूम था कि कैसे लिखा जाता है दिस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इज कॉल्ड पेक्टोग्राफिक कम्युनिकेशन जब उन्होंने पत्थरों पे केवस पे रॉक्स पे लिखना किया तो उसको क्या कहने लगे कौन सी ग्राफिक थी पेक्टोग्राफिक कम्युनिकेशन दिस पिक्चर डिटेड देअर एक्शंस फीलिंग जो एक्शन कर रहा है तो उसको उस पिक्चर से पहचानते थे फीलिंग एंड थाट्स द समेरियंस ऑफ द मैसोपोटामिया वर द फर्स्ट टू डेवलप द आर्ट ऑफ राइटिंग अबाउट थ्री थाउजेंड बी सी ई फर्स्ट किसने की थी समेरियन ऑफ मैसोपोटोमिया ने उन्होंने राइटिंग डेवलप करी थी द एजिपियंस द एजिप्ट डेवलप द स्क्रिप्ट विच इज कॉल्ड हाइडोग्राफिक्स ये किसने की थी इजिप्ट ने स्क्रिप्ट वॉज बेस्ड ऑन पिक्चर ये स्क्रिप्ट किस पे लिखी थी पिक्चर पे थी कन्वेड मीनिंग जिसका कुछ मीनिंग निकलता था फॉर एग्जाम्पल द पिक्चर ऑफ मैन शूटिंग ऑन एनिमल इंडिकेटेड हंटिंग उन्होंने वो पिक्चर बेस पे ये की जिससे कि उसका जो पिक्चर थी उसका कुछ मीनिंग निकलने लगा जैसे कि एक कोई किसी को शूट कर रहा है एनिमल को शूट कर रहा है तो उसको हंटिंग का नाम दिया द पिक्चर एंड साइन टुक द फॉर्म ऑफ लेटर एज टाइम पास द इजिप्शियन मेड ट्वेंटी फोर लेट लेटर फ्रॉम द पिक्चर ये इजिप्शियन नहीं थे एजिप्ट ही थे जिन्होंने क्या किया ट्वेंटी फोर लेटर्स की पिक्चर ड्रॉ की स्क्रिप्ट ग्रेजुअली पिक्चर्स वर रिप्लेस बाय सिम्बल्स किससे रिप्लेस की गई सिम्बल्स थे दमेरियंस मेड वेड शेप वेड बच्चों मैं आपको ड्रॉ करके बताऊंगी वेज शेप किसे कैसे कहते हैं सिंबल्स ऑन वेट देखिए बनी हुई है ऊपर ए बी सी के ऊपर वेज शेप्स बनी है के के जस्ट ऊपर वेज शेप बनी हुई है ऑन वेट क्ले गीले क्ले से बनाते थे फिर उसको क्या करते थे टैबलेट्स विच वर लेटर हार्डेड बाय बेकिंग फिर उसको पका के हार्ड कर लेते थे क्ले होती थी मिट्टी पे वो लेटर्स लिखते थे फिर उसको पका लेते थे गीली मिट्टी पे लिख के फिर उसको पका लेते थे जिससे कि वो हार्ड हो जाते दिस फॉर्म ऑफ राइटिंग केम टू बी नोन एज क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट फिर वो इसको कौन सी स्क्रिप्ट कहने लगे क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट कहने लगे तो डेट मीन्स किसने सिखाई एग्जिप्शियन ने सिखाई ट्वेंटी फोर लेटर्स की हमको पिक्चर्स समझाई तो आज आप अपने लेसन में यही पढ़ रहे हैं। आपका आज का बच्चों असाइनमेंट क्या है आपको ये बताना है कि कौन कौन सी डेवलप हुई लैंग्वेज और किस किस ने की डेट मीन मतलब कि स्टार्टिंग किसने करी स्टार्टिंग पेक्टोग्राफिक से हुई फिर सोमेरियंस ऑफ मैक्टो मैसोपोटामिया ने क्या किया हेरोग्लेनिक्स क्या है ये सब आपको मुझे बताना है अपने असाइनमेंट में ओके स्टूडेंट नाउ गुड बाय